नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूं रितु तोमर और आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। राजस्थान संकट मामले में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफा देने को कहा। चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी को भाजपा ने बनाया युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। एम्स के पैनल ने कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी और देश में कोरोना वायरस के मामले 11 लाख के पार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शुरू हुआ सियासी संकट अब केंद्र सरकार तक जा पहुंचा है। राजस्थान सरकार को गिराने की कथित साजिश से जुड़ी दो ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी आवाज़ के नमूने देने को कहा है। इसके साथ ही उनसे उन्हें तुरंत पार्टी पद से हटाए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें, इस संदर्भ में कांग्रेस नेता अजय माकन ने जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने के बाद इस विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री शेखावत से उनकी आवाज़ का नमूना देने को कहा है। इसके साथ ही उन्हें जाँच पूरी होने तक पार्टी पद से भी हटाए जाने की मांग की है। या तो शेखावत पद से इस्तीफा दे दें या उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप्स का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए ये आरोप लगाया है कि वो पार्टी के एक बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। वहीं पर भंवरलाल शर्मा और भाजपा लगातार इन ऑडियो क्लिप्स को फर्जी बता रही है। और अब अगली खबर। भाजपा ने कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन को तमिलनाडु युवा मोर्चा का नया उपाध्यक्ष बनाया है। लोक से ग्रेजुएट कर चुकी विद्या दरअसल कृष्णागिरी में बच्चों के लिए स्कूल भी चलाती हैं। वो अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने स्कूल की छुट्टियों के दौरान आखिरी बार अपने पिता को देखा था। उस समय मैं कर्नाटक में अपनी दादी के घर पर थी। वो कहती हैं कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा अच्छा काम करने, डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने और लोगों की सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं समय के साथ साथ दुनिया को समझती चली गई, तब वो अपनी ज़िंदगी जी चुके थे। ये उनके आसपास की बुरी परिस्थितियां थी जिसने उन्हें गलत रास्ता चुनने को मजबूर किया। आप बता दें कि वीरप्पन 2000 में उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। वीरप्पन पर वन अधिकारियों और पुलिस सहित कुल 150 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है। उनके ऊपर 100 से अधिक हाथियों का शिकार करने का भी आरोप है। वो हमेशा से चंदन तस्कर के नाम से जाने जाते रहे हैं और साल 2000 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया था। और अब अगली खबर। एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वायरस के स्वदेशी तौर पर विकसित टीके कोवैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस परीक्षण में स्वस्थ लोगों के लिए अब सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए ICMR ने एम्स समेत 12 संस्थाओं का चयन किया है। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 100 से अधिक जो लोग हैं वो एम्स के हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षण में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कोई बीमारी नहीं है या जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच है। दरअसल कोवैक्सीन को हैदराबाद की बायोटेक कंपनी ने ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के लगभग 39,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना वायरस की कुल संख्या 11 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक देश भर में कोरोना वायरस से 27,428 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं पर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1.42 करोड़ से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। बात करें अमेरिका की, जो कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक संक्रमित देश है, वहाँ पर कोरोना वायरस के 38 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अमेरिका में मृतकों की जो संख्या है वो 1,42,000 से ज़्यादा बढ़ी हुई है। बात करें ब्राज़ील की, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से 78,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। रशिया की, तो रशिया में कोरोना वायरस के 7 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की संख्या 12,000 से ज़्यादा बनी हुई है। वहीं पर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका एक तरीके से पेरू को पीछे छोड़कर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश के रूप में 5वें स्थान पर पहुँच चुका है। और साउथ अफ्रीका में अब तक कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 4,000 से ज़्यादा बनी हुई है। इसके बाद पेरू है, पेरू में मृतकों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर जो मृतकों का आंकड़ा है वो 12,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की संख्या
45,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।